पूरे गुजरात में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। इसके साथ ही गुजरात के अहमदाबाद में मरीज हर दिन 7000 के ऊपर सामने आ रहे हैं, इसलिए लोगों में कहीं न कहीं डर का माहौल बना हुआ है। गुजरात सरकार सिर्फ सख्ती से पेश आ रही है, लेकिन लोग लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं। गुजरात की जनता लगातार गुजरात सरकार को कह रही है कि कोरोना वायरस की चेन तोड़नी है तो एक मिनी लॉकडाउन करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी गुजरात सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का डिसीजन जनता के हित में सामने न आने से कहीं न कहीं जनता में गुजरात सरकार के खिलाफ रोष है कि जिस प्रकार से मरीज बढ़ रहे हैं, अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस की कतारें हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड नहीं है, अस्पतालों में मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, मरीज अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए लोग डरे हुए हैं, अपने अपने धंधे रोजगार को खुद ही बंद करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी वजह से अहमदाबाद में हर एक जगह लॉकडाउन न होते हुए भी लॉकडाउन जैसा नजारा सामने आ रहा है। इसी बीच न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम ने अहमदाबाद की हर एक बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी मार्केट का दौरा किया और रियलिटी चेक किया तो देखने को मिला कि हर एक मार्केट में लॉकडाउन जैसा ही माहौल है। देखिए, जी हाँ, मैं प्रणव सिंह राजपूत और आप देख रहे हो न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं फिलहाल अभी गुजरात के अहमदाबाद के जो भद्रकाली इलाका है वहाँ पे आया हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिस प्रकार से जो ये किला है, पुराना किला है, मेरे कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा जिस प्रकार से किले के नाम से और भद्रकाली माता जो यहाँ पे जो विराजमान है उनके नाम से भद्रकाली मार्केट यहाँ पे है। लेकिन कोरोना काल इतना बढ़ चुका है, परिस्थिति गुजरात में हर दिन बढ़ती जा रही है, लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं, लगातार हर दिन सिर्फ अहमदाबाद की बात की जाए तो 6000 के ऊपर हर दिन नए मरीज कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ से जो लोग रोजिंदा काम करते हैं, यहाँ जो मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, हर दिन लोग कहीं ना कहीं गांवों से यहाँ पे खरीदी करने ले आते हैं, लेकिन फिलहाल काफ़ी संख्या में जो कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं इसके हिसाब से यहाँ के जो रोजगार वाले हैं उन्होंने, व्यापारियों ने उन खुद यहाँ पे बंद किया हुआ है, लॉकडाउन जैसा माहौल। मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा मेरे साथ आए जिस प्रकार से यहाँ पे पूरा भरा पड़ा रहता है, लोग यहाँ पे व्यापार करते हैं, काफ़ी लोग काफ़ी संख्या में हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे खरीदी करने के लिए आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना महामारी के वजह से यहाँ पे पूरा लॉकडाउन जैसा माहौल आपको दिखाई दे रहा है। रतनपुर जो अहमदाबाद का सबसे बड़ा कापड़ मार्केट है, जो होलसेल मार्केट है कपड़ा का, यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स भी मिलते हैं और होलसेल में कपड़ा भी मिलता है। यहाँ पे जो मैरिज सीजन होता है भरा पड़ा रहता है ये जो मार्केट है, लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से कोरोना के मरीज बढ़ते हुए और गुजरात की जो महामारी बढ़ चुकी है और काफ़ी संख्या में जो मरीज आ रहे हैं उसको देखते हुए यहाँ पे जो दुकानदार है, जो व्यापारी है, बड़े बड़े जो व्यापारी है, उन्होंने स्वैच्छिक लॉकडाउन यहाँ पे कर दिया है। और जिस प्रकार से कोरोना की चेन तोड़ने के लिए जो ज़रूरी है, सरकार जो है गुजरात सरकार लॉकडाउन नहीं डाल रही है, लेकिन कहीं सख्ती से पेश आ रही है। लेकिन लॉकडाउन यहाँ के जितने भी लोग हैं, जो व्यापारी है, कापड़ के जो व्यापारी है, उन्होंने खुद ही फैसला करके ये जो मार्केट है पूरा बंद कर दिया है। मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा जिस प्रकार के दृश्य है, यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग हर दिन यहाँ पे आते रहते हैं खरीदी करने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा अहमदाबाद के सबसे बड़ा कापड़ मार्केट है, यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स भी मिलता है, यहाँ पे होलसेल कपड़ा भी मिलता है। जो मैरिज सीजन है उनके लिए यहाँ पे गुजरात के हर एक गाँव से लोग यहाँ पे खरीदी करने आते हैं, क्योंकि सबसे सस्ता और सबसे अच्छा यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट मिलता है, उसमें छोटे बच्चे से लेके बड़े लोगों का यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, इसके लिए यहाँ पे आते हैं। लेकिन जिस प्रकार की महामारी चल रही है उनके चलते हुए यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं उन्होंने स्वतंत्र स्वयंभू यहाँ से लॉकडाउन जैसे माहौल में यहाँ पे सब कुछ बंद कर दिया है। मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा जिस प्रकार से ये जो दुकानें हैं लगातार सब बंद पड़ी हुई है, और कोरोना की चेन तोड़ने के लिए ये कहीं ना कहीं ज़रूरी था, इसके लिए ये व्यापारियों ने खुद ही नियम करके यहाँ से सब कुछ, ये जो पूरा मार्केट है अभी फिलहाल बंद कर दिया है। मैं प्रणव सिंह राजपूत, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, गुजरात।